फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, जो भी हमारे आर्मी जवान कह रहे थे इनकी आवाज़ कैप्चर नहीं हुई गोप्रो में, तो जो भी इन्होंने बताया, जो भी इन्होंने कहा, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगा इस जगह के बारे में और क्यों आपको इस जगह पे जाना ही चाहिए ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है रजांगला, जहाँ पर हमारी 1962 की वॉर हुई थी, इंडिया इंडो चाइना वॉर के नाम से बहुत मशहूर है, कईयों को पता है कईयों को नहीं पता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस वॉर के इस जगह के बारे में वॉर के बारे में पता था, इस जगह के बारे में मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ यहाँ पहुँचने के बाद जो तुम्हें पता चलता है इस जगह के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हमें ये बताया कि 18 नवंबर 2021 में इस जगह का उद्घाटन हुआ है, रजांगला वॉर मेमोरियल का। तो अपने डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया 18 नवंबर 2021 में। उसके बाद ये जगह इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इस जगह को जानना तुम्हारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हें बताता है कि हमारे जवान किस हद तक गुजर सकते हैं इस देश को बचाने में, हमारे जवान क्या कुछ कर सकते हैं सिर्फ इस देश को बचाने के लिए, किसी भी कोई भी इन्वेडर हो, कोई भी दुश्मन हो, हमारे जवान कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ से हमारे जो जवान हैं ये आर्मी जवान, इन्होंने हमें ये बीच में अहिर धाम दिखाया। अहिर धाम यहाँ पर जो रजांगला का वॉर हुआ था, हमारे 120 आर्मी जवान थे जिसमें जिनको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उनको एक इन्फो मिला था कि जो चाइनीज़ हैं वो हमारे पे हमला करने वाले हैं, हम पे अटैक करने वाले हैं, और इन्होंने 3 प्लाटून बनाई, तीनों को एक एक पोजीशन पे बिठा दिया, कहीं से भी ये अटैक करते हैं हम रेडी रहेंगे। और सुबह नवंबर 18 की जो फर्स्ट लाइट थी उसमें चाइनीज़ ने अटैक किया, बट दे वर रेडी, हमारे इंडियन जवान्स ये रेडी थे। इन्होंने लगभग इन 120 लोगों ने, इन 120 जवानों ने लगभग 1300 चाइनीज़ सोल्जर को मार गिराया। और जिस जगह पर ये खड़े हैं, जिस जगह पर अगर ये 120 जवान अपनी जान की शहादत नहीं देते, उस दिन ये नहीं लड़ते, तो आज ये जगह, आज ले, आज लद्दाख पूरा का पूरा चाइनीज़ के हाथ में होता। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है जो कि मेजर शैतान सिंह के द्वारा कही गई थी, आखिरी बंदा आखिरी बुलेट तक लड़ता रहेगा, जितना दम है, जितना जो तुम्हारे अंदर संघर्ष है तुम करते रहो, आखिरी बुलेट तक हम लड़ते रहेंगे, हारेगा नहीं। 114 जवान जो है हमारे शहीद हो गए, हमारे मेजर शैतान सिंह थे उनकी बॉडी को वापस जोधपुर के पास एक गांव था जहां के वो रहने वाले थे वहां पर भेजा गया, और जो बाकी जवान थे उनकी बॉडी को यहीं अहिर धाम में जलाया गया, तभी इस धाम को पूजनीय माना जाता है। और मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इमोशनल हो जाता हूँ ऐसी जगह पर जाके, बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड भी फील होता है, बट एट द सेम टाइम मैं इमोशनल हो जाता हूँ। हमने ये जो एक पिलर सा बनाया गया है उनकी याद में, जितने भी लोग आए थे हम सब ने मिल के इस पिलर पे इनकी जो याद में बनाया गया है, इस पर हमने श्रद्धांजलि दी। करो करो, मतलब सीखा हुआ है मैंने, सीख क्या हो तो अच्छा है, वरना ऐसे रोड पे चलाना खतरे से खा लेने हैं। मैं हिमाचल से, धर्मशाला, मैं ऊपर से सारा ही तभी तो पहना हुआ ताम झाम। एडवेंचर जो भी है सीखो, पहले स्किल्स लो। रजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में 13 कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए यह स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन, हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन।
जंगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे, ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे क्योंकि हम तो दया नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये है मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र। ये ना होते तो वॉर ना जीते 1962 में। कुछ वर्ड्स बोले मैंने, 114 जवान शहीद हुए थे इनके साथ। ये इन्होंने हार नहीं मानी, आखिरी बुलेट जो उनके सीने में लगी तब तक ये लड़े हैं। मैं तो कहूँगा यहाँ आओ, मैंने पूरी मूवी नहीं शूट किया, मैंने सिर्फ वो पार्ट शूट किया जिसमें बहुत अच्छा बोला है ना, मतलब एंड में जो पोइम थी वो बोली है, उसके अलावा मैंने पूरा नहीं शूट किया। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ, वो मूवी देखो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े होंगे। मैं दिस क्लोज मैं रो देता भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जहाँ जाओगे। और एक प्राउड फीलिंग बहुत ज़्यादा, यहाँ आना चाहिए। और एक कैप ली हमने, एक मिनट भाई, बस रो ही तेज भाई, अभी हम निकलेंगे। हाँ निकल, मगर तेरा बैग फंस गया यार, रुको मैं दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या चीज़ ली। बट जो भी इंडियन सिटीजन है जिसने भी वो पोइम सुनी है, तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम्हारा पहला धर्म भारत है, तुम्हारा पहला धर्म भारत है, ये देश है, फिर बाद में बाकी धर्म याद रखना। ओह भाई अभी भी कंट्रोल कर रहा थोड़ा ब्रेक पेज ना टूट गया यार, रोल होना था ना फिर। देर आर मोमेंट्स इन योर लाइफ जहां तुमको समझ ही नहीं आएगा कि तुम रो क्यों रहे हो, जहाँ तुमको समझ नहीं आएगा कि तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, और ये उनमें से एक मोमेंट था। अंदर थिएटर में बैठ कर एक तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, एट द सेम टाइम तुम इमोशनल हो और तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट वो लाइनें, वो जो पिक्चर्स हैं, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करती हैं, और वो 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 नहीं होता यार कंट्रोल। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट मैं जितना मर्जी अपने आप को टफ दिखा लूँ, मैं अंदर से हूँ तो नरम दिल का इंसान। और ये जगह मैं स्किप करने वाला था। मैं शुक्र है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, मैं रुका यहाँ पे, मैं यहाँ गया, मैंने कुछ नया सीखा, मैंने अपने जवानों के बारे में सीखा, मैंने अपने लोगों के बारे में सीखा, मैंने भारत के बारे में सीखा, कैसे हमारे जवान लगे हुए हैं इस देश की रक्षा करने के लिए। कोई आ जाए भाई, कोई आ जाए इस दुनिया में, कोई भी किसी भी किस्म का दुश्मन हो, आर्मी पीपल दे वोंट स्पेयर यू। तो एक बहुत अच्छी लाइन भी उसमें बोली गई है कि भगवान हमारे दुश्मन को बचा ले, बट हम नहीं छोड़ेंगे अपने दुश्मनों को। और लास्ट में एक बहुत प्यारी लाइन के साथ एंड करता हूँ, जो कि मेरे को बहुत हार्ड हिट की है, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मैं मानता भी हूँ सब धर्मों से ऊपर जो सबसे बड़ा धर्म है वो राष्ट्र का धर्म है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ही हमारा जो होना चाहिए वो कि हमारी राष्ट्र सेवा और या भारत। तो बड़ी अच्छी लाइन एंड में कही थी, जो तुमने पीछे सुनी भी होगी, कि जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये जगह पूजनीय है, एक महातीर्थ की तरह पूजनीय है। और इन्हीं लाइनों को याद करते हुए, इन्हीं लाइनों को दिल में रखते हुए हमेशा के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कभी भी हानले पेंगोंग जाते हो तो ज़रूर इस जगह पर एक बार जाओ, ज़रूर
तुम्हारे रोंगटे ना खड़े हुए, तुम्हें प्राउड फील नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। व्हाट अ प्लेस, अभी बोल रहा हूँ तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये इतनी पावरफुल प्लेस है ना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा, और तुम्हें अपने इंडियन होने पे गर्व होगा। जय हिंद।